परंतु माता लक्ष्मी का वास मां कामधेनु के पिछले भाग में ही क्यों? मैं बताती हूं, जब मैं साकार रूप में कामधेनु बनकर अवतरित हुई, जो सबसे पहले आया उसे अपनी इच्छा अनुसार स्थान मिल गया। मेरे इस कामधेनु अवतार के सींगों के जड़ों में सदैव प्रजापति ब्रह्मा और महाविष्णु प्रतिष्ठित होते हैं। सींगों के अग्र भाग में सभी चराचर और तीर्थ स्थित हैं। मध्य भाग में स्वयं महादेव, ललाट में गौरी, नासिका में कार्तिकेय और आँखों में सूर्य और चंद्र स्थित है। खुरों में सरस्वती और इसके गंध स्थलों में यम और यक्ष का वास होता है। प्रणाम माँ। माँ, मुझे भी अपने इस कामधेनु रूप में कोई स्थान दे दीजिए। आपको विलंब हो गया देवी, अब तो सभी ने अपना मन वांछित स्थान चुनकर निवास करना आरंभ भी कर दिया है। कोई तो उपाय होगा, मुझे कहीं भी कोई भी स्थान दे दीजिए, मैं तैयार हूँ। माँ, माँ, मैं आपके साथ निवास करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ, परंतु इस संसार में सबसे अधिक वंदनीय आप है माँ। यदि आज आपने मेरा अनादर किया तो सृष्टि में कभी भी कोई मुझे सम्मान नहीं देगा। मेरी विनती स्वीकार करें माँ। मुझे स्वीकार है देवी, आज से आप मेरे पृष्ठ भाग में निवास करेंगी। मेरे मूत्र और गोबर को भी शुभ माना जाता है और अब आपके निवास के कारण ये मनुष्यों के लिए और भी अधिक हितकारी होगा। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता, इसीलिए उसे खेतों में डालकर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता, घर की दीवारों में उसका लेप लगाकर उन्हें स्वच्छ बनाया जाता और चौके में चूल्हे में डालकर उसे शुद्ध किया जाता। गाय के गोबर से बने कंडे हवन की समिधा बनते और गौमूत्र अनेक रोगों का नाश कर देता। भविष्य में स्वयं मैं भी एक अवतार लूंगा जिसमें ना केवल मुझे गौ सेवा का पुण्य अर्जित होगा बल्कि मैं माखन चोर भी कहलाऊंगा। गाय तो बहुत गुणकारी है, पर यह मिलेगी किसे? और किसे रहा, हम असुरों को ही मिलेगी। असुर सम्राट, विश्व विजेता, जो स्वर्ग पे राज करता है, ऐसे दिव्य गाय का अधिकार सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए। लीजिए, इसमें शहद मिला दे। जी, लीजिए
अब तक इसमें पीसा हुआ मेवा मिला दे। जी। स्वयं तो मेरी दया पर जीवित रहती है, इस बुड्ढे की राजसी इच्छाएं तो ऐसे पूरी कर रही है जैसे दासी नहीं महारानी हो। अब पी इसे। एक बार बोला तो सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा पी इसे। बाबा ये तो मैं आपके लिए बचपन में इसी तरह दूध पीना अच्छा लगता था ना तुझे? ये ही नहीं कैसे पता? अब मुझे गूर क्या रही है? पी पी है ना? हाँ बाबा। किंतु मुझे मीठा नहीं लगेगा। तू पूरे संसार की मिठास भी इसमें डाल देगी ना, तब भी मुझे मीठा नहीं लगेगा। मुझे तो केवल गौ माता कामधेनु का दूध ही मीठा लगता है। अमृत जैसा स्वाद होता है उसमें। ये बुड्ढा विंदा से अमृत के बारे में चर्चा क्यों कर रहा है? यदि विंदा के मन में अमृत का विचार आ गया तो वो करुण को कहीं से चखने की विवश न करते। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं बाबा, मैं केवल एक साधारण दासी हूं। गौ माता कामधेनु जैसी दिव्य गाय का दूध मैं कहां से? तू ही कहती है ना कि ढूंढने से तेरे नारायण भी मिल जाते हैं, तो तू गौ माता कामधेनु का दूध नहीं ला सकती? यदि नहीं ला सकती है तो तू और तेरा नारायण दोनों किसी कार्य के नहीं है। दूध भी मुझे मिलेगा और इस बुड्ढे का आशीर्वाद भी। क्षमा कीजिए दीति माँ, महाराज बलि यदि एक बार जीत गए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि संसार की सभी संपदाएं उन्हें ही प्राप्त होंगी। समुद्र मंथन के रत्न उन्हें ही मिलेंगे जो उसके योग्य हो। देवराज, इस योग्यता का निर्णय किस आधार पर किया तुमने? निर्णय कोई भी हो महाराज, इन देवताओं का आधार केवल छल है। ये दिव्य गाय, इन देवताओं को मैं किसी भी मूल्य पर नहीं लेने दूंगा। बजरंग, ये हमारा अधिकार है और हम अपना अधिकार लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कहीं फिर से इस मंथन में कुछ अवरोध आ गया तो? कामधेनु का दूध? हाँ, उस बुड्ढे के अनुसार कामधेनु का दूध अमृत के समान होता है, और वो दूध मुझसे पहले उस विंदा को मिल जाए ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। किसी मूल्य पर नहीं, इसलिए जाओ। कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मेरे लिए गाय का दूध लेकर आओ। पर माँ, हमको तो ये भी नहीं पता वो गाय मिलेगी कहाँ। नहीं पता है तो पता करो।
एक सहस्त्र पुत्रों का वरदान मैंने इसलिए नहीं मांगा था कि उनके होते हुए भी सारी समस्याओं का समाधान मुझे स्वयं करना पड़े। करुण को देखा है, वो कैसे मेरे लिए सूर्य पुष्प लेकर आया था। इसलिए तुम लोग जाओ और मेरे लिए गाय का दूध लेकर आओ। जाओ। अब हम क्या करें? कहां से लाए ये दूध? माँ कामधेनु के प्रकट होते ही कितनी शुद्धता और शांति छा गई थी, परंतु ये सभी ऐसे ही झगड़ते रहे तो सारी शांति नष्ट हो जाएगी। इससे पहले कि आप सभी ये निर्णय करें कि ये दिव्य कामधेनु गाय किसे मिलनी चाहिए, आप सभी को ये जान लेना चाहिए कि जो भी इसकी सेवा करेगा वो पूरी तरह से सात्विक हो जाएगा। ये तो अत्यंत शुभ बात है। नारायण नारायण, यदि असुर भी सात्विक हो गए तो ये संसार तो पूरी तरह बदल जाएगा। नारायण नारायण, मेरे पुत्र तो बहुत शक्तिशाली हैं। यदि ये सात्विक हो गए तो उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा का कोई अर्थ नहीं रहेगा। नारायण नारायण, यदि असुर भी सात्विक हो गए तो ये संसार तो पूरी तरह बदल जाएगा। ऐसा नहीं होगा बलि, हम ये कामधेनु ग्रहण नहीं कर सकते। कहीं इसके कारण तुम सात्विक बन गए तो तुम तो स्वर्ग दान में दे दोगे। प्रभु की युक्ति काम कर गई, अब गौ माता देवताओं को मिलेगी। हमें किसी ऐसी वस्तु की प्रतीक्षा करनी चाहिए जो बल और शक्ति का पड़ना हमारे तरफ झुकाए रखने में हमारी सहायता करे। गौ माता की सेवा गौ भक्त करें, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। क्या हुआ गरुड़, तुम इस निर्णय से प्रसन्न नहीं? मैं इस बात से प्रसन्न हूं प्रभु कि गौ माता उन दुष्ट असुरों के पास नहीं गई जो सबको सताते हैं, जिनकी प्रवृत्ति ही दुष्ट है। हाँ तो न जाने क्यों मेरे मन में संदेह हो रहा है प्रभु कि गौ माता इनके पास जाने के बाद प्रसन्न नहीं है। इतना जानते हो तुम गौ माता के मन को? ऐसा नहीं है प्रभु, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि माँ कामधेनु के आंखों में आंसू तो सदैव रहते हैं, परंतु आज इन आंसुओं में वो प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही जो तब दिखती है जब बहुत लंबे समय के बाद मैं अपनी माँ से मिलने जाता हूँ और वो अपनी आंखों में आंसू भरकर मुझे निहारती है। माँ कामधेनु कैसे मिलेंगी मुझे, कहाँ ढूंढूं उन्हें? ये इतने सारे नाग एक साथ कहाँ जा रहे हैं? तक तो धूमल, क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम सब? ये दोनों ऐसे लुप्त क्यों हो गए? हे नारायण,
अब आप भी कोई मार्ग दिखाइए, बताइए मुझे मैं माँ कामधेनु के दूध का प्रबंध कैसे करूं। ये केवल मेरी परीक्षा नहीं है, आपकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है और मैं आपका अपमान होते हुए नहीं देख सकती। नारायण सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। प्राप्त हो तो उसे ब्राह्मण और ऋषियों को दान देना चाहिए, इसलिए हम आपको दान देने आए हैं। आज्ञा दीजिए मां। धन्यवाद मां। कैसे मूर्ख है ये देवता, पहली वस्तु मिली थी मंथन से उसे भी दान में दे रहे हैं। हे सप्तऋषिगण, मैं देवराज इंद्र अपने समस्त कुल व संबंधियों के साथ आपका आवाहन करता हूँ, कृपया दर्शन दें। प्रकट हो ऋषिगण, प्रकट हो, प्रकट हो ऋषिगण, प्रकट हो, प्रकट हो ऋषिगण, प्रकट हो। कल्याण। ऋषिगण, हम सभी देवता पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इन माँ कामधेनु को आपको दान देना चाहते हैं। कृपया इन्हें स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। देवराज, प्रभु विष्णु की भक्ति और ऋषियों को दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। समुद्र मंथन के इस महान यज्ञ में आप सबको सफलता प्राप्त हो। ये इंद्र तो बहुत चलाक निकला, गाय माता को दान देकर अमृत प्राप्त करने का मार्ग सरल कर दिया। ये देवता भी विचित्र है, जब ये गाय इन्हें दान में ही देनी थी तो उसे प्राप्त करने के लिए हमसे इतना झगड़ा क्यों कर रहे थे। देवराज की बुद्धि की प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। तुम कहना क्या चाहते हो? माँ कामधेनु को दान में देकर देवराज ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। भैया, दान देकर पुण्य अर्जित तो किया है, साथ ही साथ सप्तऋषियों से आशीर्वाद भी लिया कि इस मंथन में विजय प्राप्त हो। इसका अर्थ ये है भैया कि अब अमृत इन्हें अवश्य मिलेगा। गरुड अब राजनीति के कठिन दाव पेच भी समझने लगा है। हर बीतते दिन के साथ ये और भी अधिक समझदार और भी अधिक व्यवहारिक होता जा रहा है। एक दिन इसके यही गुण वैकुंठ के उपयुक्त बनने में इसकी सहायता करेंगे। माँ कामधेनु के प्रकट होने के बाद से इनका उत्साह बहुत ही अधिक बढ़ गया प्रभु। हाँ प्रभु, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ भूल चुके हैं कि अभी अभी इसी मंथन से हलाहल नाम का राक्षस भी निकला था और अलक्ष्मी माँ भी। यही तो इस जीवन का आनंद, सुख आते ही मनुष्य का मन चंचल हो जाता और फिर वो अपने सभी दुख भूल जाता, और ये भी कि ये सुख भी उतना क्षणिक है जितना दुख था।